आदर्श आचार संहिता के तहत पुलिस थाने में जमा कराई गई लाइसेंसी बंदूकें। खबर शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना से है, जहां पर आदर्श आचार संहिता के तहत वैध लाइसेंसी बंदूकें सभी लोगों को जमा करवाने के आदेश निर्वाचन आयोग सहित जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं, जिसके तहत बैराड़ थाना पहुंचकर लोगों ने अपने लाइसेंसी हथियार बंदूकें जमा कराई हैं। साथ ही बैराड़ थाना प्रभारी नवीन यादव की जानकारी देते हुए बताया है कि अगर आगामी 15 अक्टूबर तक सभी लाइसेंसी बंदूकें जमा नहीं कराई गई तो उनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया जाएगा और साथ ही उनके शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की कार्यवाही की जाएगी। शाता के तहत जो बंदूकें जमा हो रही हैं थाने में, तो इस विषय में आप क्या कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं सर? आचार संहिता लागू होने के पश्चात कलेक्टर साहब महोदय का आदेश मिला है कि भी लाइसेंसधारी आम हैं और उनको आदेश किया गया है कि 3 दिनों के अंदर समस्त अपनी जिनकी लाइसेंस आम को थाने पर जमा कर दिया। तो लाइसेंस जमा करने की आखिरी तिथि कब तक है सर? 15 तारीख तक उनको लाइसेंस सभी को जमा करना है और जो भी लाइसेंस तारीख जमा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर उनके लाइसेंस निरस्त कराने की कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।